चलिए आज हम नरेशन पढ़ा रहे हैं। नरेशन में प्रैक्टिस सेट चल रहा है बाबू। ए यू शांति बनाइए आप सभी लोग। नरेशन में प्रैक्टिस सेट है और नरेशन का देख रहे हैं कि पर्सन कौन कौन सही से बनाया है। पहले देखिए हम पर्सन बना रहे हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है आपका। जब इसको इनडायरेक्ट में बनाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आई लिखिएगा आप, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। आप तो जानते हैं इतनी बात ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच बदलता है, लेकिन रीजन क्या होता है, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो खाली पर्सन बदलता है। यही बात याद रखना है, जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब हो, फ्यूचर में हो, तो खाली खाली पर्सन बदलता है, टेंस और पास्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता है। माइंडेड, ये बात हमेशा ध्यान पर रखना। तो देखिए इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को आई लिखेंगे, विल को विल लिखेंगे और से को टेल में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, और टू को हटाकर हर लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस है तो कोमा इनवाइटेड कोमा को हटाकर डैट लिखेंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई आई में कन्वर्ट हुआ तो आई हुआ। लव यू है आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट होगा हर के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदला जाता है तो हर का हर हो जाएगा। एंड लगा और यू यहाँ पर फिर भी एंड के बाद यू आया, तो यहाँ पर जो यू आया है ये सब्जेक्टिव केस में आया है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव को हर का सब्जेक्ट क्या होगा, तो हर का सब्जेक्ट आपका सी होगा, और सी के साथ भी फाइव आता है, लव नहीं होगा लव्स होगा। और लव्स लगा कर इसको सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है, नाउन को एस आई एस जोड़कर प्लुरल नाउन बनाया जाता है, ये भी बात याद रखना। और मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो आई से मी में बदलोगे तो मी का मी रहेगा। इसी का सही है, बहुत अच्छा। अगला बोलो तो, अगला क्या है बोलो तो, ये मिला लीजिए आप लोग। अगला बोलिए, रुक जाइए, इसको बनाना है अभी, अगला बोलिए उसके बाद से बनाइए, ठीक है ना। इसको मिटका दे क्या, इसको मिटका दे, ठीक है, सही है। किसका कितना जाए, कितना जन का सही है, सभी का, चलो ठीक है, चलो और बोलो बोलो तो, कोई बोलो।